सुपर जीन 2 द ह्यूमन एवोल्यूशन राकेश स्टोरी एपिसोड 66 से लेकर 70 तक। वीर ने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन ब्लैक डेविल ने उम्मीद के मुताबिक हमला नहीं किया। अपनी आंखें खोलकर वीर ने देखा कि ब्लैक डेविल बिना हिले दुले खड़ा था और उलझन में उससे पूछा, तुम क्यों नहीं मार रहे हो? आपने यह नहीं कहा, शुरू करो, ब्लैक डेविल ने गंभीरता से कहा। ओह, मेरी गलती, वीर ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक डेविल के चेहरे को देखकर वह बहस करने में शक्तिहीन महसूस कर रहा था और केवल इतना कह सका, ठीक है, चलो फिर से शुरू करते हैं। धप। जैसे ही वीर ने बोलना समाप्त किया, ब्लैक डेविल की लोहे की छड़ उसके शरीर पर आ गिरी, जिससे वीर दर्द से कराह उठा। उसका चेहरा चुपचाप विकृत हो गया और उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया, जगह जगह उछलने लगा और गोल गोल घूमने लगा। मैंने अभी तक शुरू नहीं कहा, आपने क्यों शुरू किया? वीर ने ब्लैक डेविल से पूछा जब वह बेहतर महसूस करने लगा। अनुकूलन, ब्लैक डेविल ने उत्तर दिया। भाई, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, हमें अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे सिद्धांतवादी व्यक्ति को अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए और सिद्धांतहीन या अनुशासनहीन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। क्या हम शुरू कहने के बाद ही शुरू करने पर सहमत हो सकते हैं? ठीक है, वीर ने नम आंखों से विनती की। ठीक है, ब्लैक डेविल ने लोहे की छड़ पकड़ते हुए गंभीरता से सिर हिलाया। इसके अलावा डेविल, जब तुम अगली बार मुझे मारोगे तो क्या तुम थोड़ा हल्का मारोगे? ऐसा नहीं है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, बात बस इतनी है कि तुम्हारा भाई यहाँ ठीक से आराम नहीं कर रहा है, इसलिए मेरी सहन शक्ति थोड़ी कम हो गई है, वीर ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा। समझ गया, ब्लैक डेविल ने मैं समझ गया वाले भाव से कहा। तो फिर शुरू करते हैं, वीर ने चिल्लाने से पहले खुद को तैयार करते हुए कहा। ब्लैक डेविल ने अपनी लोहे की छड़ को घुमाया और उसे वीर की छाती की मांसपेशियों पर पटक दिया, जिससे वीर ने अपने दांत पीस लिए और धीमी आवाज में घुरघुराहट की आवाज निकाली। ये चोट लगने की आवाज नहीं थी, बल्कि बाहरी बल के प्रतिरोध में मांसपेशियों के फटने से निकली सांस की जोरदार आवाज थी। ब्लैक डेविल का अपने प्रहारों की ताकत पर नियंत्रण केवल उत्तम ही कहा जा सकता है, तथा शारीरिक संरचना पर उनकी पकड़ भी अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म थी। इस प्रहार में मांसपेशियों पर बल का प्रभाव पड़ता है, जिससे आंतरिक अंगों या हड्डियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फिर से वीर को लगा कि बल प्रबंधनीय था, मांसपेशियों में दर्द के अलावा कहीं और कोई प्रभाव नहीं था। एक के बाद एक वार, हालांकि ब्लैक डेविल को यह समझ में नहीं आया कि वीर क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसने निर्देशानुसार काम जारी रखा। बिस्तर पर पड़े बैग के अंदर से फैटी का छोटा सा सिर बाहर निकला हुआ था। उसकी आंखें उत्सुकता से वीर को मार खाते हुए देख रही थीं। वह इस बात से हैरान था कि वह क्या कर रहा है। स्पॉट बदलें, केवल एक क्षेत्र पर ही प्रहार न करें। वीर को कुछ प्रभाव महसूस हुआ। प्रहारों के बल से इवोल्यूशन थ्योरी ने प्रतिक्रिया की, जिससे क्षतिग्रस्त मांसपेशियों की ओर शक्ति प्रवाहित हुई, जो गर्म होने लगी जैसे कि किसी प्रकार के बपतिस्मा से गुजर रही हों। ब्लैक डेविल ने वीर के अनुरोध का पालन किया और लोहे की छड़ से उसके पूरे शरीर पर प्रहार किया। अब निश्चित रूप से एक प्रतिक्रिया है। वीर स्पष्ट रूप से अपने अंदर गर्म धारा को महसूस कर सकता था, जो उसके शरीर के प्रभावित हिस्सों को साफ कर रही थी, जिससे थोड़ा बदलाव आ रहा था। लेकिन ये परिवर्तन बहुत मामूली थे और फिलहाल इनका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। बस बहुत हो गया डेविल, चलो आज यहीं रुकते हैं, वीर ने इसे रोकने का फैसला किया। पहला, क्योंकि यह बहुत दर्दनाक था और वह इसे और अधिक नहीं सह सकता था, और दूसरा, क्योंकि उसे लगा कि परिणाम इतने अच्छे नहीं थे और उसे कोई अन्य तरीका खोजने की जरूरत थी। पिटाई के इस सत्र के माध्यम से वीर ने पुष्टि की थी कि दोषपूर्ण विकास सिद्धांत वास्तव में एक मर्दवादी आधारित परिवर्तन तकनीक थी, क्योंकि यह उसके शरीर को प्राइमरी करने और मजबूत करने की अनुमति देता था जब इसे कठोर बाहरी कारकों के अधीन किया जाता था। हालांकि इस उत्परिवर्तन और मजबूती की अपनी सीमाएं थीं। उदाहरण के लिए, अगर उत्तेजना बहुत ज्यादा थी और वीर का शरीर उस बल का सामना नहीं कर सकता था, तो विकास सिद्धांत बेकार था। यदि उत्तेजना बहुत कमजोर थी, तो यह विकास सिद्धांत को सक्रिय करने में भी विफल रही। विकास सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए सही मात्रा में बाह्य बल की आवश्यकता थी। यह एक लंबे समय तक जारी रहने वाली सहनशीलता की प्रक्रिया थी। बेशक ये सिर्फ वीर का हालिया शोध है। क्या ये विकास सिद्धांत के बारे में सब कुछ है या सिर्फ हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा है, इस बारे में वह भी कुछ नहीं कह सकते। विकास सिद्धांत की अप्रत्याशित उपयोगिता को समझने के बाद वीर ने विचार करना शुरू कर दिया कि क्या उसे विकास सिद्धांत के आधार पर साधना जारी रखनी चाहिए। अब विकास सिद्धांत का अभ्यास करने में दो कमियां हैं। सबसे पहले, विकास सिद्धांत के दोषपूर्ण संस्करण में केवल मूल उत्परिवर्तन भाग शामिल है और बाद की सामग्री का अभाव है। भविष्य में जब उच्चतर स्तरों पर आगे बढ़ा जाएगा, तो यह स्पष्ट नहीं होगा कि आधिकारिक विकास सिद्धांत का उत्तरार्ध भाग त्रुटिपूर्ण संस्करण के साथ संगत है या नहीं। अगर यह संगत है तो यह अच्छी बात है, अगर नहीं तो वीर को खुद ही इसका पता लगाना होगा। दूसरी समस्या यह है कि इस कौशल को विकसित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है।
वीर ने बचपन से लेकर वयस्कता तक कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं किया था और वह अनुकूलन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। इतने सारे बच्चे स्कूल में खराब प्रदर्शन क्यों करते हैं? क्या इसका कारण यह है कि उनमें प्रतिभा की कमी है? बिल्कुल नहीं, ज्यादातर बच्चे बस धूर्त, आलसी, लालची या फिसलन भरे होते हैं जो कठिनाई और दुख से डरते हैं, और वीर उनमें से एक था। चाहे कुछ भी हो, मैं निश्चित रूप से पिटाई विधि का उपयोग नहीं कर सकता। मुझे एक बेहतर तरीका खोजने की जरूरत है। वीर ने महसूस किया कि पिटाई बहुत दर्दनाक होने के अलावा व्यापक नहीं होने की भी कमी थी। यह शरीर के हर छोटे हिस्से को मजबूत नहीं कर सकती थी। ध्वनि के हमले काफी प्रभावी थे और बहुत असुविधाजनक नहीं थे। हालांकि क्रिस्टल बांसुरी वीर के पास नहीं थी। एक बार जब वह इसे वापस पा लेता तो वह इसका उपयोग अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए कर सकता था। क्या वास्तव में कोई बेहतर तरीका नहीं है? वीर इस समय इससे बेहतर तरीका नहीं सोच पा रहा था। अगली सुबह जब वीर नाश्ते के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि ये तियानजेन और ये युजेन घर पर नहीं थे, और मैडम ये भी वापस नहीं आईं। सभी मालिक चले गए थे, केवल दो मेहमान वीर और ब्लैक डेविल ही गृहस्वामी के आतिथ्य में नाश्ता कर रहे थे। सौभाग्य से दोनों की खाल मोटी थी और उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा तथा उन्होंने अपने नाश्ते का भरपूर आनंद लिया। नाश्ता खत्म करने के बाद वीर ने फिर से बाजार में घूमने की योजना बनाई ताकि देख सके कि क्या उसे और अग्नि बीज मिल सकते हैं। जाने से पहले वीर ने किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए पुराने हाउसकीपर को यह बता दिया कि वह हमेशा के लिए जा रहा है, और यह भी सुनिश्चित किया कि जब वह वापस आए तो हाउसकीपर उसे अंदर आने दे। जब वे ब्लैक डेविल के साथ बाजार पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां असामान्य रूप से सुनसान जगह थी। वहां न केवल खरीदार कम थे बल्कि विक्रेताओं की संख्या भी काफी कम हो गई थी। बॉस, क्या आज बाजार खुला नहीं है? वीर ने सामान पैक कर रहे एक विक्रेता से पूछा। कौन सा बाजार बंद? ये बाजार पूरे साल खुला रहता है, विक्रेता ने सामान पैक करते हुए जवाब दिया। तो फिर सब लोग कहाँ चले गए? वीर ने जोर देकर पूछा। तुम्हें नहीं पता, हाल ही में बेस के बाहर ब्लू ट्री सी के पास काफी संख्या में मशरूम बीस्ट्स को एग देते हुए देखा गया है। कुछ लोगों को तो अलॉय बेस म्यूटेशन एग्स भी मिले हैं। अब हर कोई मशरूम बीस्ट्स का शिकार करने और बेस म्यूटेशन एग्स की तलाश में वहां भाग रहा है। विक्रेता ने सामान पैक करना समाप्त किया, अपना बैग कंधे पर रखा और जल्दी में चलते हुए चला गया। शायद वह स्थिति का फायदा उठाना चाहता था। वीर और ब्लैक डेविल ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में संदेह देखा। जब वे बेस से निकले थे तब उनका सामना मशरूम जानवरों से हुआ था जो बहुत शक्तिशाली और संख्या में बहुत अधिक थे, जिसके कारण वे वापस भाग गए थे। क्या ये सामान्य म्यूटेटरों के लिए मौत की तलाश करने जैसा नहीं होगा? लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत से म्यूटेटर खतरे में नहीं थे, अन्यथा ये पहले ही फैल चुका होता। इतने सारे लोग मशरूम बीस्ट और बेस म्यूटेशन एग का शिकार करने के लिए इतने साहसी कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट और ब्लू कैप मशरूम बीस्ट जैसे उच्च स्तरीय बेस वेरियंट एलियन फिर से दिखाई नहीं दिए हैं? वीर ने सोचा, क्या हमें फिर से जाकर देखना चाहिए? शायद हम पहले ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट से सामना करने में बेहद बदकिस्मत रहे होंगे। अब जब इतने सारे लोग बेस छोड़ रहे हैं तो हमें फिर से ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट से सामना करने में इतना बदकिस्मत नहीं होना चाहिए, है ना? वीर कुछ हद तक ललचा गया था। यदि वे विशाल ज्वार आने से पहले बच निकलने में सफल हो जाते तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। एपिसोड 67। ब्लैक डेविल के साथ चर्चा करने के बाद दोनों ने पहले बाहर जाकर स्थिति को देखने का फैसला किया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वे बेस से बहुत दूर न भटक जाएं, ताकि अगर उनका सामना किसी ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट से हो तो वे सीधे शरण के लिए बेस की ओर भाग सकें। जैसे ही वे बेस के बाहर पहुंचे उन्होंने कई म्यूटेटर्स को बेस के बाहर की ओर तेजी से चलते देखा। बेस छोड़ने के बाद जबकि अधिकांश म्यूटेटर्स ब्लू ट्री सागर की दिशा में चले गए, वीर और ब्लैक डेविल ने ब्लू ट्री सागर से अलग दिशा चुनी। निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत कम लोग थे, लेकिन वे दोनों ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्होंने झाड़ियों में एक लाल टोपी वाला मशरूम जानवर पड़ा देखा। दो मनुष्यों को आते देख लाल टोपी वाला मशरूम जानवर एक अजीब सी चीख निकालता है और झाड़ियों से बाहर निकलता है तथा वीर और ब्लैक डेविल की ओर क्रूरतापूर्वक झपटता है। ब्लैक डेविल का हाथ हिला और उसका ब्लेड नीचे गिर गया, जिससे लाल टोपी वाले मशरूम जानवर का सिर कट गया और उसका सिर उड़ गया तथा उसका सिरविहीन शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि कटा हुआ सिर मशरूम की टोपी के नीचे से खुल गया और उसमें से एक दर्जन या उससे अधिक छोटे बेस म्यूटेशन एक बाहर निकल आए। मशरूम बीस्ट वास्तव में अपने शरीर पर बेस म्यूटेशन एग सेते हैं। ये चीज निश्चित रूप से प्रजनन कर सकती है, एक बार में इतने सारे एग पैदा कर सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि मशरूम बीस्ट की भीड़ इतनी तेजी से विकसित हो रही है, वीर ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, क्योंकि उसने बेस म्यूटेशन एग को उठाया था। हालांकि वे केवल स्टील म्यूटेंट एग थे, लेकिन ये तथ्य कि एक मशरूम बीस्ट इतने सारे बेस म्यूटेशन एग को पाल सकता है आश्चर्यजनक था। वे पहले भी इतने सारे मशरूम बीस्ट का सामना कर चुके थे। अगर वे सभी प्रजनन कर सकते तो एक साथ कितने युवा मशरूम बीस्ट पैदा होते।
ये पूछना भूल गया कि मशरूम जानवर कितनी बार एग देता है। वीर ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसने सभी बेस म्यूटेशन एग एकत्र किए और उन्हें फैटी के लिए नाश्ते के रूप में उपयोग करने के लिए अपने बैकपैक में पैक किया। उसके पास अब इन बेस म्यूटेशन अंडों को सेने का समय नहीं था, और अगर उसके पास समय भी होता तो उसके पास इंक्यूबेटर नहीं था। सामान्य तापमान पर बेस म्यूटेशन एग सेने नहीं लगेंगे। दोनों ने बेस से बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं की और बस पास ही घूमते रहे, जिससे वीर को एक आश्चर्यजनक खोज मिली। बस कुछ देर तक बेस के पास चक्कर लगाने से उनका सामना चार लाल टोपी वाले मशरूम जानवरों से हुआ, और लाल टोपी वाले मशरूम जानवरों की प्रत्येक मशरूम टोपी के अंदर उन्होंने कई से लेकर 20 से अधिक मशरूम जानवरों के अंडों का पोषण किया। इससे वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। यदि काली टोपी वाले मशरूम जानवर और नीली टोपी वाले मशरूम विशाल जानवर भी इतने प्रचुर थे तो कितना भयानक परिणाम होगा। नीली टोपी वाले मशरूम विशालकाय जानवरों के झुंड और काली टोपी वाले मशरूम जानवरों के झुंडों के बारे में सोचकर, जो ज्वार की लहर की तरह यसेन बेस की ओर बढ़ रहे थे, वीर कांपने से खुद को नहीं रोक सका। यह इतना भी बुरा नहीं होना चाहिए। स्टील के एलियन कम ऊर्जा और कम सामग्री की आवश्यकता के साथ एग देते हैं, जिससे बड़ी संख्या में एग देना आसान हो जाता है। मिश्र धातु एलियन और प्राइमरी एलियन शायद आसानी से एग नहीं देंगे यदि वे बड़ी मात्रा में प्रजनन करना चाहते हैं, वीर ने खुद से सोचा। मशरूम बीस्ट ब्लैक डेविल ने अचानक एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। वीर हैरान था। ब्लैक डेविल बकवास करने वाला नहीं था और उसे मशरूम बीस्ट देखने के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं थी। बस ऊपर जाओ और उसे एक ही वार में काट दो। अगर उसने अचानक ऐसा कुछ कहा तो वह कोई साधारण मशरूम बीस्ट नहीं होगा। ब्लैक डेविल जिस दिशा में इशारा कर रहा था उस दिशा में देखने पर एक मशरूम बीस्ट दिखाई दिया, जो लगभग एक सामान्य लाल टोपी वाले मशरूम बीस्ट के आकार का था। इसकी टोपी बैंगनी लाल रंग की थी, जिस पर सफेद धब्बे थे, और यह धीरे धीरे दूर के पेड़ों से निकल रहा था। एक बैंगनी टोपी वाला मशरूम जानवर पहले कभी नहीं देखा। क्या ये स्टील का एलियन है? वीर ने ध्यान से इसकी जांच की। ये स्टील का एलियन लग रहा था, लेकिन ये लाल टोपी वाले मशरूम जानवर से अलग था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह उत्परिवर्तन था या कुछ और। मुझे ये करने दो, वीर ने ब्लैक डेविल को जाने दिए बिना कहा। उसने एंजल रिवॉल्वर निकाली और पर्पल कैप मशरूम बीस्ट पर गोली चला दी। कैप्सूल एक स्टील के एलियन में बदल गया और बिजली की गति से बैंगनी टोपी वाले मशरूम जानवर पर टूट पड़ा, जिससे उसका सिर और मशरूम की टोपी टुकड़े टुकड़े हो गई। मशरूम कैप के अंदर बेस म्यूटेशन फ्लूइड और बेस म्यूटेशन एग बाहर गिर गए। जैसा कि वीर ने सोचा था, ये वास्तव में एक स्टील का एलियन था। दोनों ने बेस म्यूटेशन एग को उठाने के लिए आगे बढ़े, जो जमीन पर गिर गए थे और मशरूम कैप के अंदर रह गए थे। कुल मिलाकर केवल तीन थे, जो कि लाल टोपी वाले मशरूम जानवरों द्वारा पोषित बेस म्यूटेशन एग की संख्या से बहुत कम लग रहे थे। वीर, लिटिल स्टार, ब्लैक डेविल ने मशरूम कैप के नीचे से बेस म्यूटेशन से लेपित एक बेस म्यूटेशन एग निकाला और इसे वीर को सौंपने वाला था, जब उसने अचानक अपना हाथ वापस खींच लिया और यह वाक्य बोल दिया। छोटा सितारा? कौन सा छोटा सितारा? वीर ने हैरान नजर से ब्लैक डेविल को देखा। 1, 2, 3 छोटे सितारे, ब्लैक डेविल ने अपने सामने इशारा किया, जैसे कि वह कुछ गिन रहा हो। बेस म्यूटेशन एग को फेंक दो। वीर को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने जो बेस म्यूटेशन एग पकड़ा हुआ था उसे फेंक दिया और उसी समय आदेश दिया। वास्तव में ब्लैक डेविल ने पहले ही अपने हाथ में मौजूद बेस म्यूटेशन एग को फेंक दिया था, लेकिन उसकी पुतलियां अब बैंगनी धुंध की एक परत से ढकी हुई थीं। वीर को भी लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। पूरे शरीर में खुजली हो रही थी। उसने चारों ओर रोशनी के टिमटिमाते धब्बे देखे और उसकी आंखों के सामने छोटी छोटी परियां उड़ रही थीं। हमें जहर दिया गया है, पर्पल कैप मशरूम जानवर जहरीला है। वीर ने समस्या के स्रोत की पहचान की और जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला, दवा की 2 शीशियां निकाली, एक ब्लैक डेविल के लिए और दूसरी खुद के लिए। ये दवाएं बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की चोटों का उपचार कर सकती थीं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि वे विषाक्त पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी थीं या नहीं, हालांकि वे कम से कम हानिरहित थीं। ब्लैक डेविल ने दवा खोली और उसे पी लिया। वीर अपनी शीशी पीने ही वाला था कि उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर विकास सिद्धांत काम कर रहा है। विकास सिद्धांत जहर का भी प्रतिरोध कर सकता है। वीर ने मन ही मन खुशी मनाई और शीशी का ढक्कन वापस लगा दिया। जैसे जैसे उसके शरीर में शक्ति का संचार हुआ, उसकी त्वचा पर खुजली और अधिक तीव्र हो गई और उसके चारों ओर नाचती टिमटिमाती परियों ने उसके सिर को घुमा दिया। लेकिन जल्द ही उसकी दृष्टि में छोटे तारे कम होने लगे और उसके शरीर पर खुजली भी गायब हो गई। विष के प्रभाव में वीर को लगा कि उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन वह जल्दी ही सामान्य हो गया। ब्लैक डेविल अभी भी तारे गिन रहा था। स्पष्टतः उस पर दवा के रेचक प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। सौभाग्य से विष शक्तिशाली नहीं था और केवल मतिभ्रम और खुजली की अनुभूति पैदा कर रहा था। जैसे ही वीर ब्लैक डेविल को वापस शहर में खींचने वाला था, विष से ब्लैक डेविल के लक्षण कम होने लगे और थोड़ी देर बाद वह काफी हद तक ठीक हो गया। यद्यपि विष का प्रभाव बहुत अधिक नहीं था, लेकिन यदि ये किसी जानवर की लहर
के दौरान हमला करता तो थोड़े समय के लिए भी प्रभावित होना घातक साबित हो सकता था। वीर ने ब्लैक डेविल से कहा कि वह थोड़ा आराम करें, जबकि वह सावधानीपूर्वक एक और बेस म्यूटेशन एग उठा ले ताकि उसे फिर से जहर न लग जाए। उन्होंने अपनी उंगली से बेस म्यूटेशन फ्लूइड का एक टुकड़ा भी छुआ। इस बार उन्हें थोड़ी खुजली महसूस हुई, लेकिन कोई और भ्रम नहीं हुआ। विकास सिद्धांत ने पुनः प्रभाव डाला और जल्द ही खुजली गायब हो गई। जब वीर पुनः पर्पल कैप मशरूम के विषयुक्त बेस म्यूटेशन द्रव के संपर्क में आया तो उसे लगभग कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जिससे पता चलता है कि उसका शरीर मशरूम के जहर को झेलने के लिए विकसित हो चुका था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह विकास सिद्धांत काम कर रहा था, वीर ने ब्लैक डेविल को, जो ठीक हो गया था, विषाक्त बेस म्यूटेशन द्रव को फिर से छूने की कोशिश करने दी। परिणाम स्वरूप ब्लैक डेविल एक बार फिर जहर का शिकार हो गया। उसे संक्षिप्त मतिभ्रम का अनुभव हुआ तथा पिछली बार के प्रभाव से उत्पन्न कोई प्रतिरोध नहीं दिखा, कम से कम वीर जितना मजबूत नहीं। ब्लैक डेविल एक मिश्र धातु उत्परिवर्तक पर विष का प्रभाव गंभीर नहीं था, केवल कुछ मतिभ्रम उत्पन्न हुए जो अल्पकालिक थे। ब्लैक डेविल के दर्शन जल्दी ही फीके पड़ गए। हालांकि वीर इस संभावना से उत्साहित था, वह भविष्य में खुद को मजबूत करने के लिए विषाक्त पदार्थों का उपयोग कर सकता था और जहर के प्रति प्रतिरोध भी विकसित कर सकता था। सभी विषयों से प्रतिरक्षित होने की कल्पना करते समय उसके बैग में मौजूद एलियन फेईजाई अचानक अपने आप बाहर कूद गया और वीर के कंधे पर खड़ा हो गया और जंगल के भीतर एक दिशा में तेजी से घूरने लगा। एपिसोड 68। वीर ने सावधानी से देखा और जंगल में एक बड़े पेड़ के पीछे एक काले रंग की आकृति खड़ी देखी, जिसने अपना आधा शरीर दिखाया हुआ था और उसे ठंडी निगाह से देख रही थी। ये वही ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट है। वीर ने इसे तुरंत पहचान लिया। उसका दिल धड़कने लगा। वह एलियन चुपके से उसे देख रहा था। जाहिर तौर पर उसके मन में कोई द्वेष था। इससे वीर को एहसास हुआ कि जानवरों की बाढ़ पूरी तरह से विफल होने से पहले ही उसे वहां से निकल जाना चाहिए। फेईजाई द्वारा देखे जाने के बाद काले टोपी वाले मशरूम जानवर ने वीर को गौर से देखा और फिर धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। जाते समय जिस तरह से उसने उसकी ओर देखा, उससे वीर को पता था कि अगर उसने इससे निपटा नहीं तो जब जानवरों का ज्वार आएगा तो वह निश्चित रूप से बदला लेने के लिए सबसे पहले उसकी तलाश करेगा। तो तुम्हें लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? वीर ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, ये सोचते हुए कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह इसे कैसे कम कर सकता है। वापस जाओ, ब्लैक डेविल ने वीर की ओर देखते हुए पूछा। कोई जरूरत नहीं है, ये काफी बुद्धिमान है और जानता है कि यह अब हमें संभाल नहीं सकता। जब तक हम बेस से बहुत दूर नहीं चले जाते तब तक ये शायद हम पर हमला नहीं करेगा, वीर ने कुछ सोचने के बाद कहा। वह अभी भी ये देखना चाहता था कि क्या अन्य प्रकार के विषैले मशरूम जानवर भी हैं और खुद को मजबूत करने के लिए विषाक्त पदार्थों के साथ कुछ बेस म्यूटेशन द्रव इकट्ठा करना चाहता था, जो निश्चित रूप से आसम जानवर ज्वार के साथ एक बड़ी मदद होगी। वीर ने एक पानी की थैली निकाली और जहर मशरूम जानवर के शरीर से सभी अवशिष्ट बेस म्यूटेशन द्रव को इकट्ठा किया। इस तरह के बेस म्यूटेशन द्रव को ज्यादातर म्यूटेटर सीधे नहीं पी सकते थे, लेकिन वीर के लिए यह इससे बेहतर पूरक नहीं हो सकता था। वीर को गलत विकास सिद्धांत बहुत उपयोगी लगा। इसकी शक्ति से वह विभिन्न बेस म्यूटेशन द्रवों को सीधे खा सकता था, बिना इस बात की चिंता किए कि अनुपचारित बेस म्यूटेशन द्रव उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोनों ने बहुत अंदर तक जाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि बेस के पास बेस म्यूटेशन एग और बेस म्यूटेशन द्रव के लिए मशरूम जानवरों का शिकार किया। विषैले मशरूम जानवर स्पष्ट रूप से दुर्लभ थे। आधे दिन के बाद भी उन्हें दूसरा कोई नहीं मिला था। जब वे मशरूम बीस्ट्स की खोज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग, जो काफी भव्य कपड़े पहने हुए थे और उच्च स्तरीय पालतू जानवरों पर सवार थे, उनकी ओर आ रहे थे। वे लोग उन पर निशाना नहीं साध रहे थे, लेकिन जब वे उनसे कुछ ही दूरी पर गुजरे तो व्हाइट बोल्ड बीस्ट पर सवार लड़कियों में से एक ने रुककर वीर को ध्यान से देखा, जो एक तरफ खड़ी थी। जैसे ही उनकी आंखें मिली, वीर की अभिव्यक्ति में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन लड़की आश्चर्यचकित दिखी। वीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्स किंग ने वीर की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी, क्योंकि वह व्हाइट गोल्ड बीस्ट से उतरी और वीर के पास चली गई। अन्य लोग भी रुक गए, उनकी निगाहें वीर और ब्लैक डेविल पर टिकी थीं। ये देखकर कि दोनों में से किसी के पास कोई सवारी नहीं थी और वीर के कंधे पर एक स्नोबॉल जैसा मोटा कबूतर बैठा था, उन्होंने उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा। इस युग में लगभग कोई भी व्यक्ति साधारण पालतू जानवर नहीं रखता था। बहुत दिनों बाद मिले, वीर ने मुस्कुराकर एक्स किंग का अभिवादन किया। उनके अलग होने के पीछे किसी की गलती नहीं कही जा सकती। उनके बीच दूरियां बढ़ गई थीं और एक दूसरे को देखे बिना समय के साथ भावनाएं स्वाभाविक रूप से फीकी पड़ गईं। हालांकि ये यूजेन ने इसमें एक भूमिका निभाई थी, अगर उनका रिश्ता वास्तव में मजबूत होता तो ये यूजेन इसे इतनी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ये यूजेन के बिना भी भविष्य में ली यूजेन या झाओ यूजेन हो सकते हैं। अगर दो लोग लंबी दूरी तक एक साथ नहीं रह सकते तो हमेशा समस्याएं पैदा होंगी। जब एक्स किंग ने वीर को नहीं देखा था तो वह बहुत आश्वस्त थी, लेकिन जिस क्षण वह वास्तव में उससे मिली उसने तुरंत अपना आत्मविश्वास खो दिया।
मेरी बड़ी बहन के साथ हुई घटना के बारे में मैंने अपने परिवार से मदद करने के लिए कहा, लेकिन क्योंकि अंबानी परिवार और राजपूत परिवार के बीच हाल ही में कुछ अप्रिय विवाद हुए हैं, इसलिए राजपूत परिवार लोगों को रिहा करने के लिए सहमत नहीं हुआ और न ही उन्होंने मेरी बहन के व्यापारी कारवां को अपहरण करने की बात स्वीकार की। एक्स किंग ने धीमी आवाज में समझाया, धन्यवाद, ये ठीक है, समस्या हल हो गई है। यह अतीत की बात थी और वीर इस पर और अधिक ध्यान नहीं देना चाहते थे क्योंकि इससे किसी को भी लाभ नहीं होगा। उन्होंने कुछ देर रुक कर कहा, यदि आपके पास करने के लिए काम है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। समाधान। एक्स किंग थोड़ा हैरान हुआ। उसकी अभिव्यक्ति देखकर वीर हैरान हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने सोचा, क्या ये यूजेन ने उसे नहीं बताया कि मैंने अपनी बहन को पहले ही बचा लिया है? हाँ, हल हो गया। वीर कोई उपद्रव नहीं करना चाहता था और उसने आगे विस्तार से नहीं बताया। एक्स किंग ने कुछ अविश्वास और जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा, हम अभी भी दोस्त हैं, अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से करूँगा। धन्यवाद, ये वास्तव में हल हो गया है। वीर ने अभी भी मुस्कुराहट और दूरी बनाए रखी। वीर की उदासीनता को महसूस करते हुए एक्स किंग को अजीब तरह से असहज महसूस हुआ। उसने अपने होंठ काटे, ऐसा लग रहा था कि वह और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसने अपने पीछे की टीम में से किसी को ये कहते हुए सुना, एक्स किंग, जब वे इसकी सराहना नहीं करते तो क्यों परेशान हो? शायद उनके पास स्वर्ग तक पहुंचने के रास्ते हैं और राजपूत परिवार शायद माफी की भीख मांग रहा था और लोगों को पहले ही वापस भेज दिया। वक्ता एक युवा व्यक्ति था जो वीर की ही उम्र का था, जो स्पष्ट रूप से रहेजा परिवार के कारवां के साथ हुई घटना से परिचित था। उसके शब्दों में व्यंग्य की झलक थी। झेंगयान, यह मेरा काम है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। एक्स किंग ने उस आदमी को घूर कर देखा, फिर वीर की ओर मुड़ा और आह भरते हुए कहा, मैंने यूजेन से पहले ही तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा था। उसने कहा था कि तुम यूजेन बेस छोड़कर वापस चले गए हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी यहाँ हो। अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ तो मुझे विद यूस्टो नंबर 3 पर मिलो, मैं आमतौर पर वहाँ रहता हूँ। एक्स किंग ने कहा, मैं आज थोड़ा व्यस्त हूँ, लेकिन मैं कल तक वापस आ जाऊँगा। ठीक है, अगर कुछ होगा तो मैं निश्चित रूप से आपके पास आऊँगा, वीर ने अंदर ही अंदर आह भरते हुए कहा। एक्स किंग वास्तव में काफी अच्छी थी और जब वे अतीत में एक साथ थे तो उनके बीच वास्तव में अच्छे संबंध थे, लेकिन अतीत अतीत था और वीर अब उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। लुकविंग, हमें महत्वपूर्ण मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए, राजपूत परिवार को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, झेंगयान ने आग्रह किया। एक्स किंग कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ये देखकर कि वीर को बातचीत जारी रखने की कोई इच्छा नहीं थी, उसने अपने होंठ काटे और कुछ नहीं कहा, केवल व्हाइट गोल्ड बीस्ट पर सवार होने से पहले विदाई ली और जाने के लिए तैयार हो गई। तभी पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज आए। सभी लोग मुड़े और देखा कि उच्च स्तरीय पालतू जानवरों पर सवार एक और समूह उनकी ओर आ रहा है। दूर से वीर ने ग्रैंड मास्टर को आगे बढ़ते देखा और उसने मन ही मन सोचा, लू और जू दोनों परिवार यहाँ क्या कर रहे हैं? ये ब्लू ट्री सी का रास्ता नहीं है। लगभग सहज रूप से एक्स किंग ने वीर के सामने रुकने के लिए अपनी सवारी को नियंत्रित किया। उसे चिंता थी कि ग्रैंड मास्टर उसके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। जिस संभावना से वह डर रही थी वह वास्तविकता बन गई, क्योंकि ग्रैंड मास्टर वास्तव में उनके रास्ते में आ गया और सीधे वीर की ओर बढ़ गया। ग्रैंड मास्टर, तुम क्या चाहती हो? एक्स किंग ने ठंडे स्वर में पूछा, जब ग्रैंड मास्टर, जो पहले से ही उसके सामने आ चुका था, उसके पास आया। मिस लू, मैं यहाँ आपके लिए नहीं हूँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? ग्रैंड मास्टर घोड़े से उतरा और एक्स किंग को दरकिनार करते हुए वीर की ओर चला गया। एक्स किंग ने उसे फिर से रोकने की कोशिश की, लेकिन झेंगयान ने उसे रोक लिया, उसे तुम्हारी चिंता की कोई कदर नहीं है, इस तरह परेशान क्यों होना? चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जब वह मुसीबत में पड़ेगा तो वह स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगा। मैंने कहा है कि यह मेरा मामला है और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। एक्स किंग ने अपनी बांह पर रखे झेंगयान के हाथ को झटक दिया। वह फिर से ग्रैंड मास्टर को रोकने के लिए तैयार थी, लेकिन ग्रैंड मास्टर की हरकतों ने उसे स्तब्ध कर दिया। एपिसोड 69। वीर, क्या मैं तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? यसेन बेस के मैदान पर जो कोई भी तुम्हें पार करता है वह मेरे राजपूत परिवार को पार कर रहा है। ग्रैंड मास्टर वीर के बगल में खड़ा था, अंबानी परिवार के लोगों का सामना कर रहा था। ग्रैंड मास्टर द्वारा लाए गए म्यूटेटर भी उन दो लोगों के पीछे आ गए और अंबानी परिवार के म्यूटेटरों से भिड़ गए। एक्स किंग और बाकी लोग कुछ हद तक अचंभित थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक ऐसा कैसे हो गया कि वे वीर को धमकाने की कोशिश कर रहे थे और ग्रैंड मास्टर वीर की मदद करने के लिए आया था? मूल रूप से वे सभी सोच रहे थे कि ग्रैंड मास्टर वीर के लिए आया था। झेंगयान ने पहले ही अपना मन बना लिया था कि जब ग्रैंड मास्टर वीर से निपटेगा तो उसे एक्स किंग को हस्तक्षेप करने से रोकना होगा, लेकिन अब ये बिल्कुल विपरीत लग रहा था। न केवल ग्रैंड मास्टर वीर को परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि उसने यह मेरा बड़ा भाई है, इसके साथ खिलवाड़ करो और तुम मेरे साथ खिलवाड़ करके मर जाओगे का रुख भी अपनाया, जिससे झेंगयान और अन्य लोग चौंक गए और स्थिति को समझने में असमर्थ हो गए।
आप सभी एक्स किंग भी हैरान थी। ग्रैंड मास्टर और वीर के बीच आगे पीछे देख रही थी और तभी उसे विश्वास होने लगा कि वीर का पहले का दावा कि उसने इस मुद्दे को सुलझा लिया है सच था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वीर ने राजपूत परिवार को उसकी रक्षा करने के लिए किस तरह का तरीका अपनाया था। ये हैरान करने वाला था। वीर ने ग्रैंड मास्टर से कहा, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, आप सभी जाकर वह कर सकते हैं जो आपको करना है। तो यह एक गलतफहमी थी, तो यह अच्छी बात है। तुम आगे बढ़ो, मुझे वीर से कुछ बात करनी है, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। ग्रैंड मास्टर ने अपने लोगों को पहले जाने का निर्देश दिया जबकि वह पीछे रह गया। हमें भी जाना चाहिए। झेंग यान को चिंता थी कि राजपूत परिवार उनसे आगे निकल जाएगा। उसने जल्दी से एक्स किंग से आग्रह किया, आगे बढ़ो। वीर ने एक्स किंग को सिर हिलाकर इशारा किया। ये देखकर कि उसके अलावा शूतयानगे के सभी लोग चले गए थे, एक्स किंग को आखिरकार यकीन हो गया कि शूतयानगे सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वीर के साथ उसका रिश्ता वाकई असाधारण था। वीर, जब तक हम फिर से मिलते हैं, एक्स किंग को नहीं पता था कि और क्या कहना है। उसने हल्की सी आह भरी और झेंग यान और अन्य लोगों के साथ व्हाइट गोल्ड बीस्ट पर सवार हो गया। जब एक्स किंग और बाकी लोग दूर चले गए तो ग्रैंड मास्टर ने वीर से धीमी आवाज में कहा, वीर, किसी को जिनशुई झील के पास बेस म्यूटेशन बॉक्स मिला है, हम वहां जल्दी से जा रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम तुमसे मिलेंगे, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? यहां एक बेस म्यूटेशन बॉक्स है, वीर ने कुछ आश्चर्य के साथ जवाब दिया। ब्लैक डेविल और कुणाल से मुलाकात के बाद से वीर अब घर पर रहने वाला व्यक्ति नहीं रह गया था जो दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। बेस म्यूटेशन बॉक्स और म्यूटेशन पॉइंट को एक ही चीज माना जा सकता है जो इस ग्रह पर बेस म्यूटेशन का उद्गम है। इससे पहले वीर को केवल इतना पता था कि म्यूटेशन पॉइंट्स प्रसार, संक्रमण और बेस म्यूटेशन के स्रोत स्थल थे। कुछ म्यूटेशन पॉइंट्स बेस म्यूटेशन बॉक्स के पास पाए गए, हालांकि अधिकांश क्षतिग्रस्त थे। कुणाल और ब्लैक डेविल से प्राप्त खुफिया जानकारी को एक साथ जोड़कर वीर को अब पता चला कि बेस म्यूटेशन बॉक्स मूलतः एक ब्रह्मांडीय परिवहन कंटेनर था। क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा में बहुत समय लगता है, इसलिए एलियन न रूपों को लंबी यात्रा को सहन करने के लिए अपनी यात्रा के दौरान परिवहन कंटेनर के भीतर शीत निद्रा में रहना पड़ता है। बेशक कुछ परिवहन कंटेनरों का उपयोग माल के भंडारण के लिए किया जाता है, जैसे बेस म्यूटेशन एग, जिनके परिवहन के लिए इन कंटेनरों की आवश्यकता होती है। 200 साल पहले दुनिया भर में दुर्घटनाग्रस्त हुए बेस म्यूटेशन बॉक्स, ये परिवहन कंटेनर थे जिनमें बेस म्यूटेशन एग थे, जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है। साथ ही यह भी पता नहीं है कि वे इस ग्रह पर क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुए। एक बात तो तय थी, इन कंटेनरों को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान इस ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। संभवतः बाहरी अंतरिक्ष में कुछ गड़बड़ हुई होगी जिससे कंटेनर चारों ओर बिखर गए होंगे। अंतरिक्ष में ज्यादातर कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गए। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बेस म्यूटेशन एक बाहर गिर गए, जो संक्रमण के स्रोत बन गए। जाने माने म्यूटेशन पॉइंट और बेस म्यूटेशन जोन, जिन्हें आदिम एग कहा जाता है, वास्तव में वे एलियन बेस म्यूटेशन एग हैं। वीर को हैरानी इस बात से हुई कि 200 साल पहले हुई उस घटना के बाद से कोई और ट्रांसपोर्ट कंटेनर नहीं गिरा था। अगर यसेन बेस के पास कोई था तो उसे पहले ही खोज लिया जाना चाहिए था, तो वह अभी क्यों मिला? इसकी केवल दो ही संभावनाएं हो सकती हैं। एक ये कि यह परिवहन कंटेनर 200 साल पहले गिरे बैच का हो। इसकी सामग्री को सील कर दिया गया था क्योंकि यह क्षतिग्रस्त नहीं थी, इसलिए अंदर के बेस म्यूटेशन एक संक्रमण का स्रोत नहीं बने। साथ ही दुर्घटना स्थल के छिपे होने के कारण ये किसी के द्वारा भी नहीं देखा गया। एक और संभावना ये थी कि यह परिवहन माल हाल ही में गिरा था और ये 200 साल पहले के माल के समान नहीं था। ब्लू ट्री सी में मशरूम बीस्ट बहुत ज्यादा हैं, क्या यह उस ट्रांसपोर्ट कार्गो से संबंधित हो सकता है? वीर ने सोचा, लेकिन फिर लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ब्लू ट्री सी और जिनशुई झील दो विपरीत दिशाओं में थे। अगर ब्लू ट्री सी में मशरूम बीस्ट बहुत ज्यादा हैं तो वे ट्रांसपोर्ट कार्गो से संबंधित हैं, तो कार्गो भी ब्लू ट्री सी में ही होना चाहिए। अक्षत, क्षतिग्रस्त, ब्लैक डेविल ने भी स्पष्ट रूप से इस बारे में सोचा और ग्रैंड मास्टर से पूछा। बेस म्यूटेशन बॉक्स बरकरार है। ग्रैंड मास्टर वास्तव में समझ गया कि ब्लैक डेविल का क्या मतलब था, लेकिन वह नहीं जानता था कि बेस म्यूटेशन बॉक्स वास्तव में परिवहन कार्गो था। ब्लैक डेविल ने सीधे कहा, मार्गदर्शन करो। वीर ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, लेकिन ब्लैक डेविल के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखकर ऐसा लगा कि वह जाने के लिए तैयार था। एक पल सोचने के बाद वीर ने भी ग्रैंड मास्टर को सिर हिलाकर हाँ कर दी। वीर और बड़े भाई डेविल के शामिल होने से अंबानी परिवार के उन कमीनों के पास कोई मौका नहीं है। बेस म्यूटेशन बॉक्स निश्चित रूप से हमारा होगा। अगर अंदर प्राइमल एग हैं तो मैं उन्हें ऊंची कीमत पर क्यों ना खरीदूं, ग्रैंड मास्टर ने कहा। ठीक है, ब्लैक डेविल को इस बात की परवाह नहीं थी कि बेस म्यूटेशन बॉक्स में प्राइमल एग है या नहीं। ग्रैंड मास्टर बहुत खुश हुआ, अब और नहीं हिचकिचाया, अपने घोड़े पर सवार हुआ और आगे चल दिया। वीर और ब्लैक डेविल ने भी अपने घोड़ों को बुलाया, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वे अभी भी लोहे के सींग वाले घोड़ों पर सवार थे और ग्रैंड मास्टर के साथ नहीं रह सके।
इस पर विचार करते हुए ग्रैंड मास्टर ने कहा, वीर बड़े भाई डेविल, मैं अपने भाइयों को अंबानी परिवार के हाथों पीड़ित होने से बचाने के लिए पहले आगे बढ़ूंगा। आप यहां से सीधे जिनशुई झील की ओर जा सकते हैं। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप हमें देखेंगे। आगे बढ़ो, वीर ने कहा, क्योंकि उसे वास्तव में ब्लैक डेविल से कुछ पूछना था जो वह ग्रैंड मास्टर के आसपास होने पर नहीं पूछ सकता था। ये व्यवस्था उसके लिए अच्छी थी। ग्रैंड मास्टर ने बार बार वीर और ब्लैक डेविल से जल्दी आने का आग्रह किया, फिर अपने तेज घोड़े पर सवार होकर भाग गया। बड़े डेविल क्यों गए? वीर ने ब्लैक डेविल को देखा और पूछा। वह उनकी वर्तमान स्थिति को जानता था और ब्लैक डेविल को अच्छी तरह पता था कि काले टोपी वाले मशरूम जानवर उन्हें छाया में देख रहे होंगे। ये वास्तव में अन्य मामलों में शामिल होने का समय नहीं था। अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ ब्लैक डेविल ने कहा, बेस म्यूटेशन बॉक्स अज्ञात, पता लगाने की जरूरत है, जोखिम शुरुआत में ही नष्ट करना। वीर समझ गए कि ब्लैक डेविल का क्या मतलब था और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या आपने खुद के लिए खतरे के बारे में नहीं सोचा है? मेरे लिए यह एक ऐसा कर्तव्य है जिससे बच नहीं सकता। ब्लैक डेविल ने कुछ देर रुक कर कहा, तुम वापस जाओ, मैं भी जाऊंगा। मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। वीर ब्लैक डेविल के चेहरे के हाव भाव से बता सकता था कि उसे मनाना व्यर्थ होगा। ये सोचकर कि जिनशुई झील बेस से बहुत दूर नहीं थी और ब्लू ट्रीसी से भी बहुत दूर, अगर कोई खतरा हुआ तो उसे पूरा भरोसा था कि वह वापस बेस पर भाग सकता है। बेस म्यूटेशन बॉक्स को देखने के लिए ब्लैक डेविल के साथ जाना एक अच्छा विचार था, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। यदि अंदर सुपर बेस प्राइमल एग होते तो अलॉय तक आगे बढ़ने की उम्मीद थी। जब दोनों जिनशुई झील पर पहुंचे तो वे दूर से अंबानी परिवार और राजपूत परिवार के लोगों को देख सकते थे। आश्चर्यजनक रूप से कोई टकराव नहीं हुआ, क्योंकि दोनों समूह झील के किनारे खड़े थे और जिनशुई झील की सतह को घूर रहे थे। वीर और ब्लैक डेविल को आते देख ग्रैंड मास्टर ने जल्दी से उन्हें बुलाया। अंबानी परिवार के म्यूटेट वीर और ब्लैक डेविल को लोहे के सींग वाले घोड़ों पर सवार देखकर कुछ हैरान थे। वहां मौजूद हर कोई वीर की पृष्ठभूमि के बारे में जानता था और लू और जू दोनों परिवारों के लिए डागबर्ड बेस का रहेजा परिवार कुछ खास नहीं था। उन्हें इस बात पर हैरानी थी कि ग्रैंड मास्टर इन दोनों के प्रति इतना विनम्र क्यों था। वीर झील के किनारे खड़े थे और उन्होंने एक अजीब अंधाकार उपकरण को साफ सतह पर तैरते देखा। ये धातु के फुटबॉल जैसा था, लगभग 1 मीटर ऊंचा और आधे मीटर से भी कम व्यास का। ये क्रिस्टल के छल्लों से घिरा हुआ था जो चमकते और आपस में जुड़े हुए थे, लगातार घूमते हुए एक रहस्यमय और उच्च तकनीक वाली आभा दे रहे थे। एपिसोड 70। डेविल क्या तुम तैर सकते हो? वीर ने अथाह झील की ओर देखा और फिर ब्लैक डेविल से पूछने के लिए मुड़ा। मैं नहीं कर सकता, ब्लैक डेविल के जवाब से वीर ने राहत की सांस ली। मूलतः ब्लैक डेविल को समुद्र में एक प्राइमरी एलियन के साथ लड़ाई में बहुत कष्ट उठाना पड़ा था, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह तैरने में बहुत कुशल नहीं था। मैं भी नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा लगता है कि हम भाग नहीं ले सकते। चलो बस वापस चलते हैं और आराम करते हैं, वीर ने कहा। वीर जल्दी मत करो, मैंने पहले ही किसी को नाव खोजने के लिए कह दिया है। ये जल्द ही यहाँ आ जाएगी, ग्रैंड मास्टर ने जल्दी से कहा। नाव का क्या उपयोग है? अगर हम उसमें गिर गए तो क्या हम वैसे ही नहीं मरेंगे? मैं निश्चित रूप से उस नाव पर नहीं चढ़ूंगा, वीर ने ब्लैक डेविल को खींचते हुए कहा, जो जाने के लिए तैयार था। वीर आश्चर्यचकित था। ब्लैक डेविल, जो आमतौर पर काफी एकनिष्ठ रहता था, उसने खुद को इतनी आसानी से दूर जाने दिया, जो अप्रत्याशित था, और वीर ने उस पर दूसरी नजर डाली। ब्लैक डेविल ने कहा, ये कोई परिवहन पॉड नहीं है। अगर यह ट्रांसपोर्ट पॉड नहीं है तो फिर यह क्या है? वीर दंग रह गया। उसने कभी असली ट्रांसपोर्ट पॉड नहीं देखा था और उसने सिर्फ कुणाल और ब्लैक डेविल से इसका नाम सुना था। जब उसने इसे अभी देखा तो उसे लगा कि अंतरिक्ष यान के ट्रांसपोर्ट पॉड ऐसे ही दिखते हैं। इसे कभी न देखने के कारण राजपूत परिवार और अंबानी परिवार के लोगों ने भी शायद इसे नहीं देखा था। उन सभी ने सोचा कि यह एक बेस म्यूटेशन क्रेट है जो अपने रहस्यमय बक्सों को खोलने के लिए नाव के आने का इंतजार कर रहा था। मुझे नहीं पता, ब्लैक डेविल को भी नहीं पता था कि यह क्या था। वीर को लगा कि उन चीजों से दूर रहना और भी जरूरी है जिन्हें वे पहचान नहीं पाते। आखिरकार अगर वह चीज एलियंस द्वारा भेजी गई बम थी तो आप जितने करीब होंगे उतनी ही जल्दी आप मर जाएंगे। गुंजन, जैसे ही वीर सोच रहा था कि शायद ये कोई एलियन सुपर बम हो, उसने अचानक एक गुनगुनाहट की आवाज सुनी और तुरंत ब्लैक डेविल को जमीन पर खींच लिया। दोनों लेट गए और जल्दी से अपनी बेस म्यूटेशन स्ट्रेंथ को सक्रिय कर दिया। जल्द ही उनके शरीर को धातु के कवच से ढक दिया। दुर्भाग्य से ये बम विस्फोट की प्रस्तावना नहीं थी। अंबानी परिवार के लोगों ने जमीन पर पड़े दो आदमियों को ऐसी नजरों से देखा जैसे वे मूर्खों को घूर रहे हों, घृणा से भरे हुए। हालांकि वे भी चौंक गए थे, कम से कम वे उन दोनों की तरह डरकर जमीन पर नहीं गिरे थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें लगा कि उन्हें उनका मजाक उड़ाने का अधिकार है।
एक्स किंग और ग्रैंड मास्टर दोनों वीर को ऊपर उठाने में मदद करना चाहते थे, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद फिर से शुरू हुई अजीब आवाज से उनका ध्यान भंग हो गया और वे झील के ऊपर मडराती वस्तु को देखने लगे। वीर और ब्लैक डेविल उठ खड़े हुए। उन्हें अपनी प्रतिक्रिया में कोई शर्मनाक बात महसूस नहीं हुई। वीर के अनुसार अगर ऐसा लाखों बार भी हुआ तो भी वह डेक पर गिरेगा। जो ऐसा नहीं करते वे बहादुरी नहीं दिखा रहे थे बल्कि धीमी प्रतिक्रिया दिखा रहे थे, और यदि वे सचमुच बहादुर थे तो यह एक लापरवाह आदमी का व्यवहार मात्र था। उठने के बाद वीर ने पानी के ऊपर की वस्तु पर नजर डाली और देखा कि रग्बी बॉल जैसी मशीन के बाहरी हिस्से पर क्रिस्टल के घेरे तेजी से घूम रहे थे। इसके अलावा गति अभी भी बढ़ रही थी। क्रिस्टल खुद अब दिखाई नहीं दे रहे थे, केवल उनकी छवियां बह रही थीं, जो एक अजीब प्रकाश सुरंग का निर्माण कर रही थीं। चलो चलें, वीर ने ब्लैक डेविल को पुकारा और उसे जल्दी से उस वस्तु से दूर जाने का आग्रह किया। दुर्भाग्य से वह अभी भी थोड़ा धीमा था। जैसे ही वह हताश होकर भागा, उसने अचानक पीछे से एक भावहीन ठंडी आवाज सुनी। नंबर 014 रियल किंग ट्रेनिंग डिवाइस सेल्फ चेक पूरा हो गया है। सभी सिस्टम सुरक्षित हैं। डिवाइस सुरक्षित रूप से शुरू हो रहा है। गुंजन, वीर का सिर घूम गया, जिससे उसने सहज रूप से अपने हाथों से अपना सिर ढक लिया। उसके शरीर को एक बहुत बड़ी ताकत ने पीछे की ओर खींचा और उसकी दृष्टि तुरंत पीछे की ओर भागते समय की सुरंग में धुंधली हो गई। धप, वीर जमीन पर गिर गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे समुद्री बीमारी हो गई हो। वह वहीं पड़ा रहा, कुछ बार उबकाई ली लेकिन कुछ नहीं निकला। अपने बगल में वही आवाज सुनकर वीर ने अपना सिर घुमाया और देखा कि ग्रैंड मास्टर भी जमीन पर पड़ा था, उल्टी कर रहा था। ब्लैक डेविल अभी अभी खड़ा हुआ था और अपने शरीर से रेत झाड़ रहा था। कुछ ही दूरी पर एक्स किंग समुद्र तट पर बैठी थी, अपने हाथों से अपनी छाती को पकड़े हुए। वह भी असहज दिख रही थी। रुको, समुद्र तट ये बहुत जाना पहचाना लग रहा है, और यह गुरुत्वाकर्षण। वीरप पूरी तरह से जाग चुका था और तुरंत चारों ओर देखने के लिए खड़ा हो गया। क्या ये वही समुद्र तट नहीं था जहां वह और ब्लैक डेविल पहले भी गए थे? ये जाना पहचाना मजबूत गुरुत्वाकर्षण वह सामान्य गुरुत्वाकर्षण नहीं था जिसका वह आदि था। कुछ सोचते हुए वीर ने नीचे देखा और उसे अपनी कलाई पर एक अतिरिक्त घड़ी जैसी डिवाइस दिखी। मॉडल पिछली बार से थोड़ा अलग था और सफेद रंग का था। पहले वाला काला होना चाहिए था और वह नहीं जानता था कि दोनों उपकरणों में क्या अंतर है। चारों ओर देखने पर उसने देखा कि ब्लैक डेविल, ग्रैंड मास्टर और एक्स किंग सभी की कलाइयों पर एक जैसे सफेद टेलीपोर्टर थे। वीर ने घड़ी पर प्रदर्शित संख्याओं पर नजर डाली। 71 घंटे 59 मिनट 4 सेकंड। ब्लैक टेलीपोर्टर की तरह ये 72 घंटे की उल्टी गिनती थी, जिसका अर्थ है कि उन्हें टेलीपोर्टर को सक्रिय करने और 72 घंटे बाद वापस लौटने में सक्षम होना चाहिए। क्या ये कौन सी जगह है? हम यहाँ कैसे पहुँच गए? बाकी लोगों का क्या हुआ? ग्रैंड मास्टर आखिरकार होश में आया और डर के मारे चिल्लाया, हम कहाँ हैं? एक्स किंग का चेहरा भी भयानक लग रहा था। वह उठी और लड़खड़ाते हुए वीर के पास गई और उसके बगल में धड़ाम से बैठ गई। जाहिर है कि उसे अभी भी यहाँ गुरुत्वाकर्षण की आदत नहीं थी। चिंता मत करो, क्या तुम्हें अपने हाथ पर घड़ी दिख रही है? एक बार उल्टी गिनती खत्म हो जाए तो हम वापस जा सकेंगे, वीर ने हैरान एक्स किंग को आश्वस्त किया। वीर, क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ हैं? एक्स किंग के बोलने से पहले ग्रैंड मास्टर सबसे पहले आया और उत्सुकता से वीर का हाथ पकड़कर बोला, मुझे जाने दो। वीर ने ग्रैंड मास्टर का हाथ झटक दिया और उन दोनों को समझाया, हम अब अपने ग्रह पर नहीं हैं। इतना हैरान मत होइए, ये सामान्य है। मानवता बहुत पहले ही इंटरस्टेलर युग में प्रवेश कर चुकी है। इंटरस्टेलर टेलीपोर्टेशन आम बात है, बस आपको इसकी जानकारी नहीं थी। वीर ने ऐसे बात की जैसे उसने अनगिनत अंतरतारकीय टेलीपोर्टेशन का अनुभव किया हो, जैसे कि खाना खाते या सोते समय। केवल ब्लैक डेविल को ही पता था कि इस बार सहित वीर ने केवल 2 बार टेलीपोर्ट किया था और वह भी बाकी लोगों की तरह ही नौसिखिया था। हालांकि वीर के शब्दों का स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा, क्योंकि ग्रैंड मास्टर और एक्स किंग का तनाव कम हो गया। हालांकि वे अभी भी अविश्वास में थे। वीर वाकई जानकार और अनुभवी है। मुझ में, ग्रैंड मास्टर में भी प्रतिभा पहचानने की क्षमता है, और मैंने अपने बड़े भाई को चुनकर कोई गलती नहीं की। ग्रैंड मास्टर ने बातचीत का रुख बदला, फिर सावधानी से पूछा, वीर, यहाँ सिर्फ हम चार ही क्यों हैं? बाकी लोग कहाँ हैं? टेलीपोर्टेशन रैंडम है, लेकिन हमें एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को ढूंढना चाहते हैं तो आप खुद जाकर देख सकते हैं। यहाँ कई बेस वेरिएंट एलियन हैं और काफी म्यूटेशन भी हैं, इसलिए बस सावधान रहें, वीर ने कहा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा वीर। तुम जहां भी इशारा करोगे मैं वार करूंगा। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। भाइयों की तरह एकजुट होकर हम साथ मिलकर धातु को काट सकते हैं, ग्रैंड मास्टर ने खुद से सोचा। वीर की पहचान असाधारण होनी चाहिए, शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जितनी मैंने अनुमान लगाया था। ऐसा लगता है कि वह इस डरावनी जगह के बारे में सब कुछ जानता है, जो बहुत कुछ कहता है। मुझे खुशी है कि मैंने उसका दुश्मन बनने का विकल्प नहीं चुना। इस खौफनाक जगह में ग्रैंड मास्टर ने वीर अनुभवी के साथ रहने का फैसला किया।
अंबानी परिवार के म्यूटेटर के लिए अगर वे मिल गए तो अच्छा, अगर वे मर गए तो भी अच्छा, खुद मरने से बेहतर है कि वह मर जाए। अफसोस की बात है कि उसे नहीं पता था कि वीर यहाँ पहले सिर्फ एक बार आया था और पिछली बार उसके साथ आए ज्यादातर साथी मर चुके थे। वीर का साथी होना सबसे खतरनाक बात थी। हमें पहले छिपने के लिए एक जगह ढूंढनी चाहिए ताकि हम यहाँ बेस वेरिएंट प्राणियों के निशाने पर न आएं। वीर ने अपने आसपास का निरीक्षण किया। रीफ क्षेत्र जिसे उसने पहले देखा था कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिससे पता चलता है कि वे शायद उससे बहुत दूर थे। जैसे ही वह छिपने के लिए जगह तलाश रहा था, उसने अपनी कलाई पर लगे टेलीपोर्टर को कंपन करते हुए महसूस किया। सिग्नल कनेक्ट हो गया है, विजुअल फीड को सिंक कर रहा है। रियल किंग कल्टीवेशन डिवाइस प्रशिक्षण की शुद्धता और सुरक्षा को सत्यापित करने के लिए प्रशिक्षुओं की छवियों को पर्यवेक्षकों तक प्रसारित करेगा, जिससे पर्यवेक्षक समय पर बचाव प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये सूचना धीरे धीरे घड़ी पर चल रही थी। जिनशुई झील के ऊपर उस विचित्र तंत्र के बाहरी वलय पर स्थित क्रिस्टलों ने घूमना बंद कर दिया था, लेकिन उपकरण के शीर्ष से ध्रुवीय प्रकाश की एक किरण सीधे ऊपर की ओर निकली, जिससे आकाश एक कैनवास की तरह प्रतीत हो रहा था तथा एक विशाल छवि प्रक्षेपित हो रही थी जो किसी भी मानव नग्न आंखों के 3D प्रभाव से कई गुना अधिक वास्तविक थी। सभी एपिसोड सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए।